दोस्तों ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर ये क्या बोल गए टाइगर श्रॉफ, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वन न्यूज। इन दिनों आपको पता ही होगा कि ब्रह्मास्त्र की जो एडवांस बुकिंग है ताबड़तोड़ लेवल की बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रही है। घंटों में लाखों के टिकट सेल हो रहे हैं। यहां तक इस फिल्म को लेकर कई सारे दिग्गज सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी जाहिर किया है, जिसमें से हाल ही में टाइगर श्रॉफ का भी रिएक्शन सामने आया है। हाल ही में कुछ मीडिया पर्सन का टाइगर श्रॉफ के साथ इंटरेक्शन हुआ, उनसे ये सवाल पूछा गया कि इन दिनों ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा हाइप है और आप लोग इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इंडिया में पहली बार ऐसी कोई फिल्म बनकर तैयार हुई है जिसमें इतने बड़े स्तर पर हॉलीवुड की लेवल की VFX देखने को मिल रही है। इससे पहले हम हॉलीवुड की फिल्मों में ही इस तरह की VFX को एंजॉय करते थे, आज हम इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह की VFX को एंजॉय कर रहे हैं। शायद ये अयान मुखर्जी के कारण ही पॉसिबल हो पाया और इसके लिए काफी शुक्रगुजार भी हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद कहता हूं कि इस तरह की उन्होंने फिल्म बनाई, जो कि बनाने के लिए भी काफी गट्स चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बजट की फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है। एकदम हॉलीवुड के स्तर की ये फिल्म है और मुझे लगता है कि ये फिल्म को लोगों का प्यार सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा तभी हमारी इंडियन सिनेमा आगे बढ़ पाएगी। और मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म को अगर सपोर्ट मिला तो आगे चलकर इस लेवल से भी बेहतर लेवल लोग बनाकर लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे सके और शायद इंडियन सिनेमा का नाम एक अलग लेवल पर पहुँच जाएगा। और मैं भी इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस तरह की फिल्म पहली बार इंडिया में बनी है, तो ऐसे में मैं भी इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखूंगा और मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग इस फिल्म को जरूर देखें, जाकर प्यार दें, सपोर्ट करें और साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को और इसकी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट टीम को वेल विशेस दिए है जिया टाइगर श्रॉफ ने, और इस तरह से उन्होंने अपने एक्साइटमेंट जाहिर की है इस फिल्म को लेकर। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्र को लेकर, जिस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है, जिस तरह से इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन सामने आ रहे हैं, उसे देखकर आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी या बॉलीवुड के पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी, इस पर आपकी क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।